गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। आज डेट है 22 जून 2022। कल रात को अपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने कल्पा में ही स्टे लिया था, रूम भी देख लिया आपने। तो अभी जस्ट यहाँ पे आसपास थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। यहाँ पे सुइसाइड पॉइंट करके कुछ है वहाँ, और फिर हो सके तो रेकॉन्क्वियो भी जाएंगे। तो आज फिर एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ सूरजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सूरजो। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉगिंग मोड पे। अभी स्टार्ट किए होम स्टे से, ये गेस्ट हाउस है जहाँ पे रुके थे, सतलुज व्यू गेस्ट हाउस। तो आई थिंक यही रोड होगा कल्पा ऊपर जाने का, सुइसाइड पॉइंट और वो चीनी विलेज, और एक रास्ता भी जा रहा था पीछे की तरफ, पता नहीं वो कौन सा रास्ता है और ये भी कौन सा रास्ता है, आई एम नॉट श्योर। आई होप यही वाला सही रास्ता होगा सुइसाइड पॉइंट जाने का। टाइम हो चुका है 9:41 और अभी हम पहुंच गए हैं सुइसाइड पॉइंट पे। मेरा जो होम स्टे था या गेस्ट हाउस या होटल जो भी कह सकते हैं, तो वहाँ से टाइम लगा जस्ट अराउंड 15 मिनट्स। थोड़ा इंक्लाइन रोड था लेकिन फिर भी डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो जस्ट 15 मिनट। और अभी ये जो सुइसाइड पॉइंट है ये पूरा कवर कर दिया, आई एम श्योर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए शायद कुछ इंसिडेंट भी हुआ होगा यहाँ पे। तो ये जो व्यू है मैं आपको दिखा रहा हूँ सुइसाइड पॉइंट से, ये देखिए नीचे का व्यू, मतलब ये पूरा एकदम स्ट्रेट क्लिफ है और नीचे वो नदी भी दिख रहा है। ये कौन सा रिवर है मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है, और वो हाईवे भी दिख रहा है जहाँ से हम लोग चढ़ के आए थे, आई गेस इसी हाईवे से हम ऊपर आए होंगे कल। वो दिख रहा है आपको हाईवे, वो स्ट्रेट वाला, ये वाला हाईवे है और ये नदी। ऐसे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये पूरा एकदम स्ट्रेट नीचे जा रहा है, ये जो पहाड़ है एकदम सीधा इसका इंक्लाइन है। और यहाँ से हाईवे का व्यू उतना नहीं दिख रहा है, एक्चुअली गार्ड हो रहा है, तो आगे से मिल जाएगा वो व्यू जो आपको दिखाया मैंने। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन हाँ ये गार्ड कर देने की वजह से जितना अच्छा व्यू मिलता था वो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही किया होगा। यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि कितना इंक्लाइन पे है ये क्लिफ। यहाँ से भी वो नदी और हाईवे दिख रहा है। सुइसाइड पॉइंट से व्यू काफ़ी बढ़िया है, ये माउंटेन का भी बहुत ही सही व्यू आ रहा है यहाँ से। इनफैक्ट मेरे होटल से इससे भी क्लियर व्यू है क्योंकि वहाँ से पूरा रेंज दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा ये वाला रेंज ही दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 10 बज चुका है, तो अभी जस्ट निकले यहाँ से सुइसाइड पॉइंट से, थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे आधा घंटा जैसा, थोड़ा फ़ोटो वोटो लिए। एक ग्रुप आया था जो मेरे बाइक के साथ फ़ोटो ले रहा था, नहीं तो शायद इससे पहले भी मैं निकल जाता, क्योंकि बस वो थोड़ा व्यू ही है और कुछ है नहीं यहाँ से। और वो व्यू भी जैसे बोल रहा हूँ वो गार्ड के वजह से उतना सही से आ नहीं रहा है। तो ये आगे कई गांव है, वहाँ तक घूम के आता हूँ क्योंकि आज पूरा दिन यहीं पे हूँ, अभी वापस जाके कोई फ़ायदा नहीं है। देख के आता हूँ कैसा व्यू मिलता है वो गाँव से, यहाँ से भी बहुत सही व्यू आ रहा है ये पहाड़ों का। तो एकदम गांव के अंदर ही पहुंच गया, क्या नाम पता नहीं गांव का। अच्छा यहाँ पे होम स्टे भी है, तो अगर किसी को कल्पा से आगे भी स्टे करना हो तो ये भी एक ऑप्शन है। आई थिंक ये रोधी, ये गांव का नाम है रोधी। ये क्लिफ का देखिए यहां से काफी अच्छे से समझ में आ रहा है।
एक्चुअली सुसाइड पॉइंट से काफ़ी बेटर व्यू मिल रहा है यहाँ से, वो है सुसाइड पॉइंट सीधा अगर आप देख पा रहे हैं जहाँ पे बैरिकेड किया हुआ है, गाड़ी खड़ा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ से वो ये व्यू इतना समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से व्यू काफ़ी हद तक समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली में कितना स्टीफ है, लेकिन हाँ यहाँ से वो हाईवे या रिवर का व्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पहाड़ इतना खड़ाई है वो एटलीस्ट यहाँ से समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है आने के टाइम मैं वो नीचे वाले रास्ते से आया था, यहाँ से दिख नहीं रहा है रास्ता इतना, जस्ट ये नीचे से ही एक पैरेलल रास्ता जा रहा है, मुझे लग रहा है वहीं से मैं आया था। अभी जाने के टाइम ये ऊपर वाले रास्ते से जा रहा हूँ, ये HPTDC का होटल और लास्ट टाइम मैं जहाँ पे स्टे किया था वो इसी रोड पे होना चाहिए। आई थिंक ऐसा किसी स्टे में, मतलब ऐसा कोई होटल था अशोका, हो सकता है ये वाला भी हो सकता है, ऐसा ही कोई होटल था जहाँ पे लास्ट टाइम स्टे किया था कल्पा में। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 10:30 और हमारे होटल के पास में ही पहुँच गए हैं। आई थिंक इसी तरफ होगा मेरा होटल। हाँ तो होटल में थोड़ा रुकेंगे फिर नीचे जाएंगे। हाँ यही है मेरा होटल। हाँ रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था क्योंकि काफ़ी जगह से बहुत सारा डाइवर्शन है, मतलब बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं, कोई सीधा कोई नीचे। थोड़ा होटल में रेस्ट लेके फिर निकलेंगे, नीचे जाएंगे रेकोंगपियो। टाइम हो रहा है अभी 12:15, अभी थोड़ा रेस्ट लेके फिर से निकल रहा हूँ होटल से। अभी जाऊंगा रेकोंगपियो के तरफ, कुछ लंच वंच भी करेंगे क्योंकि सुबह से कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो थोड़ा लंच करेंगे रेकोंगपियो में जाके और कुछ सामान वामान भी लेना होगा तो ले लेंगे। वैसे धूप तो काफ़ी है लेकिन वेदर अभी थोड़ा क्लाउडी हो चुका है, जो माउंटेन पिक्स है वो थोड़ा अभी कवर्ड हो चुका है क्लाउड में, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा नहीं, कल शाम को जितना क्लाउड था उतना अभी नहीं है, अभी भी काफ़ी क्लियर है, लेकिन सुबह को और भी ज़्यादा क्लियर था। जैसे आपने देखा होगा सुबह को एकदम ही क्लियर था, मतलब जो किन्नर कैलाश पिक है वो साफ दिख रहा था सुबह को मेरे होटल के बालकनी से ही। पहुंच चुके हैं रेकोंगपियो, 12:33 टाइम हुआ, मतलब मेरे होटल से जस्ट अबाउट 15 मिनट्स का ही टाइम लगा है। तो यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा कि पार्किंग कहाँ मिलता है, क्योंकि मुझे बाइक पार्क करके थोड़ा खाने वाने भी जाना है और फिर मे बी कुछ शॉपिंग वगैरह भी अगर कुछ करना हुआ तो वो भी करेंगे। यहाँ पे सिग्नल भी है, पहाड़ों में पहली बार ऐसा सिग्नल देख रहा हूँ। देखना पड़ेगा कहाँ पार्किंग मिलता है। फिलहाल सीधा जाता हूँ, यहाँ पे होगा तो पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगा। तो रेकोंगपियो में लंच करके फिर से वापस आ गए हैं कल्पा हमारे होटल में। अभी टाइम हो रहा है 1:34, तो अराउंड एक घंटा जैसा स्पेंड किया मैंने रेकोंगपियो में बोल सकते हैं। तो अभी जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर से और थोड़ा ये व्यू एंजॉय करेंगे बालकनी से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो कुछ होता नहीं करने का, तो चलिए जल्दी रूम में जाके मिलते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30, तो मैं लंच करके वापस आ गया था रेकोंगपियो से जैसे आपने देखा था, और रेकोंगपियो में लंच किया था मटन राइस, 200 रुपया का टोटल चार्ज आया था लंच का। तो उसके बाद रूम में आके रेस्ट ही किया, और बाकी भी अभी और कुछ खास प्लान नहीं है, शाम को भी थोड़ा अर्ली डिनर करके फिर सो जाएंगे, कल निकलेंगे चितकुल के लिए। तो ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ।